दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं आईटीआई से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी। इसी चैनल पर ये जो क्लास है ये है परीक्षा मंथन की बुक, कंप्यूटर बुक का फुल डिटेल सॉल्यूशन। पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न, चाहे वो फिर वन लाइनर हो या ऑब्जेक्टिव। तो इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी हो कंप्यूटर की, तो उनमें मैंने 3 चैप्टर करा दिए हैं। आज चौथा चैप्टर यहाँ कर रहे हैं हम लोग, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। आज हम 4th चैप्टर कर रहे हैं, और इससे पहले 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं। चैप्टर का नाम है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का विकास, पर्सनल कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। तो पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर ने कब माइक्रो कंप्यूटर के विकास को जन्म दिया, तो 1970 में। 1981 में आईबीएम, जिसको हम फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कई बार यही डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लिया जाता है, नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे आईबीएम पीसी कहा गया। बाद में बनने वाले पीसी आईबीएम पीसी कंपेटेबल कहलाए, अर्थात वे कार्य और क्षमता में आईबीएम पीसी जैसे ही हैं, तथा उन पर वे सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जो आईबीएम पीसी पर चलते हैं। आगे है, पर्सनल कंप्यूटर व्यक्ति विशेष के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है। पर्सनल कंप्यूटर ये डिजिटल कंप्यूटर है जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसे ऑफिस, डाटाबेस कार्य करने, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, वीडियो गेम चलाने, वीडियो गेम खेलने, संगीत व चलचित्र देखने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिजाइन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है ये देख लीजिए, और ये चार तीन लाइन जो है इंपॉर्टेंट भी है, कहीं भी पेपर में पूछी जा सकती है। पीसीएटी, पीसीएटी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, पीसीएक्सटी, PCATX, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंड। फिर है पेंटेनियम पीसी, कौन सी पीसी, पेंटेनियम पीसी। इनकी फुल फॉर्म मैं दोबारा बता देता हूँ, क्या क्या है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे। PCAT का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, PCATX का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंड। पीसी के घटक कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो वर्तमान पीसी के आवश्यक घटक है सिस्टम यूनिट, मॉनिटर जिसको हम बीडीयू कहते हैं, बीडीयू का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, कीबोर्ड, माउस और हार्ड डिस्क। अगला है मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक घटक, मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक घटक, सीडी रोम, स्पीकर, ठीक, माइक, मॉडेम, यहाँ पर देख रहे होंगे आप माइक, मॉडेम, वेबकैम। पीसी के कुछ ऐच्छिक घटक कौन कौन से हैं जिनको हम इच्छा अनुसार ही लगाते हैं, बिना इनके भी कंप्यूटर काम कर सकता है, प्रिंटर, फ्लॉपी ड्राइव, स्कैनर और जॉयस्टिक। कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति, निर्बाध मतलब बिना रोके बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए घटक है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सीवीटी। ये आपने पहली बार देखा होगा, सीवीटी एग्जाम वाला तो सीवीटी देखा होगा, ये सीयूवीटी है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्या है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कई बार आपसे यही पूछ लिया जाए, हो सकता है इस बार एग्जाम में यूपीएस न पूछ के सीवीटी पूछा जाए, तो बता देंगे आप कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सिस्टम यूनिट क्या है, ये पीसी का मुख्य भाग है, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं संचालित होते हैं, यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीसी के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े रहते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है, डेस्कटॉप टाइप, इसमें सिस्टम यूनिट का चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है और मॉनिटर उसके ऊपर रखा होता है, ठीक है। अगला है टावर टाइप, टावर टाइप क्या होता है, तो टावर टाइप देखेंगे, टावर टाइप होता है इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके बगल में रखा रहता है, ये वर्तमान में अधिक प्रचलित है।
ये सिस्टम यूनिट होती है, ये स्पीकर, कई बार हम इसको ही क्या बोल देते हैं, सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं होके क्या है, सिस्टम यूनिट। फिर ये स्क्रीन है, ये मॉनिटर है, या मॉनिटर भी बोल सकते हैं इसको। फिर इसके पास में ही रखा होता है स्पीकर, अपनी इच्छा अनुसार हम स्पीकर को रख भी सकते हैं, नहीं जरूरत नहीं है तो स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर कैबिनेट, कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का बना हुआ एक बक्सा होता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस के अंदर रहते हैं, ये सिस्टम यूनिट के बाहर की संरचना का निर्माण करता है। सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट, इसे घरेलू बिजली से 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है, जिसे ये कंप्यूटर में प्रयोग के लिए +5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है। हो सकता है ये प्रश्न बने कि कंप्यूटर को जो एसी सप्लाई दी जाती है उसको वह कितने में बदलकर अपने प्रयोग में लेता है? तो याद रखेंगे 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को +-5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ये प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं उनको कितने वोल्ट की सप्लाई दी जाती है? तो +-5 वोल्ट, जबकि इसके मोटर पंखे आदि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ये कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। इसे वायु के सहारे ठंडा, एयर कूल्ड करने के लिए बिजली का एक पंखा, फैन लगा रहता है। आजकल SMPS, SMPS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जा रहा है। ये है कुछ इस तरह। फिर हम मदरबोर्ड को देखेंगे। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड ये प्लास्टिक का बना हुआ एक पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। धातु की पतली रेखाओं द्वारा ये दो उपकरण के बीच संबंध स्थापित करता है। ये कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। अगला है, इस पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है, उन्हें बस बार कहते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये एक चिप होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसमें कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय गणनाएं और कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट लगा रहता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर, रजिस्टर तथा कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही निर्मित होते हैं। मैथ को प्रोसेसर, गणित के कार्य करने के लिए तथा गणित के कार्य करने के लिए किधर गया गणित के कार्य करने के लिए तथा सीपीयू की सहायता के लिए मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नए माइक्रो प्रोसेसर में लगे इसे अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती। रैम चिप क्या होती है? सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खाके बने रहते हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं। ये कार्य करने के दौरान डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। पूछा जाए कि कार्य करने के दौरान डाटा को अस्थायी तौर पर कहाँ रखा जाता है? तो रैम में रखा जाता है। रोम चिप क्या होती है? निर्माण के समय ही इसमें डाटा डालकर पीसी के मदरबोर्ड पर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। इस चिप में ऐसे डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता पीसी को चालू करने के लिए पड़ती है। पूछा जाए कि ऐसे डाटा व प्रोग्राम जिनकी आवश्यकता पीसी को चालू करने के लिए की जाए वो कहाँ रखे जाते हैं? तो रैम, रोम में। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, स्थाई रोम चिप में ही स्टोर किया जाता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट जिस या फिर वीडियो डिस्प्ले कार्ड, दृश्य वीडियो तथा चित्र ग्राफिक्स को मॉनिटर पर दिखाने के लिए ये कार्ड मदरबोर्ड पर लगा रहता है। इसमें BGA, वीडियो ग्राफिकल एरे, तथा SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिकल एरे का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है साउंड कार्ड। मल्टीमीडिया में ध्वनि की डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पर बने खाके में लगाया जाता है। बाहरी स्पीकर इसी कार्ड से जुड़ा रहता है। कंप्यूटर में बना मीडी, मीडी की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट। साउंड कार्ड कार्ड को भी संगीत उपकरणों से जोड़ा जा सकता है। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड, ये कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पे लगा रहता है। कौन सा कार्ड? डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। आउटपुट एडाप्टर कार्ड, आउटपुट एडाप्टर कार्ड क्या होता है? ये मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइसेस के बीच समन्वय का कार्य करता है। ये बाइनरी डाटा व सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर को समझाने योग्य बनाता है। स्पीकर क्या है?
सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा रहता है। टाइमर, फिर टाइमर को देखेंगे, टाइमर है ये मदरबोर्ड पर लगा रहता है तथा घड़ी की तरह कार्य करता है। इसे एक बटन बैटरी से सप्लाई दी जाती है ताकि कंप्यूटर बंद होने पर भी घड़ी कार्य करती रहे। अगला है एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग करने के लिए खाने बने होते हैं, इन्हें एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं। पीसीआई, पीसीआई की फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगा रहता है। ये डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी, जो आपके जीवन में आपने कई बार देखी भी होगी, यूएसबी, जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। ये कंप्यूटर तथा उसके किसी उपकरण के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है। चूंकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि को सीपीयू से जोड़ा जाता है, अतः यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लोकप्रिय हो गया है। आजकल चार्जर वगैरह में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक यूएसबी पोर्ट होते हैं। कितने होते हैं? एक से अधिक। फिर देखेंगे हम, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि कंप्यूटर को बिना रिस्टार्ट किए किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। सीमॉस, सीमॉस की फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार। सीमॉस की फुल फॉर्म होती है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। सीमॉस चिप को कहाँ स्थापित किया जाता है? तो कंप्यूटर मदरबोर्ड पर। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा हो रहता है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी सीमॉस चिप को पावर सप्लाई देता रहता है। किसके आकार का? बटन के आकार का। फिर है एजीपी, एजीपी बस, एक्लिरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस, एक्लिरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस। एजीपी बस का प्रयोग विभिन्न चित्रों, ग्राफिक्स तथा चलचित्रों के लिए किया जाता है। ये उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है और ये प्रमुख सहायक स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा डाटा और सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर होती हैं। ये एक स्थायी मेमोरी है जिसमें सप्लाई बंद होने पर, बंद कर देने पर भी डाटा संग्रहित, डाटा नष्ट नहीं होता। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से हार्ड डिस्क में संग्रहित डाटा को पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा नए डाटा या सॉफ्टवेयर स्टोर किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। अगला है पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है, जिसे वैंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जीबी में होती है। किसमें होती है? जीबी में की जाती है। अगला है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या है? फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है, जिसमें डाटा परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग कम हो रहा है। फिर है सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग बन गया है, ठीक है? हाँ, सीडी तथा डीवीडी पर ऑप्टिकल डिस्क के रूप में हैं। इन्हें सीडी डीवीडी ड्राइव में डालकर स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जा सकता है। सीडी ड्राइव की गति को एक नंबर और उसके बाद एक्स अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे 8x, 56x आदि। सीडी डीवीडी के डाटा में परिवर्तन करने पर एक नया डाटा स्टोर करने के लिए लिखने योग्य डाटा का प्रयोग किया जाता है, जिसे सीडी डीवीडी राइडर कहते हैं। चूंकि डीवीडी नए किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है, अतः डीवीडी ड्राइव सीडी के डाटा को पढ़ सकता है, परंतु सीडी ड्राइव डीवीडी के डाटा को नहीं पढ़ सकता। अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता 650 MB या इसके अधिक के कारण डीवीडी का प्रयोग वीडियो डाटा तथा चलचित्र को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का एक बेहतर साधन बनता जा रहा है। मॉनिटर, मॉनिटर देखेंगे तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है।
मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है। मॉनिटर कुछ नहीं है, वही है ऐसे टीवी की जैसी जो स्क्रीन दिखती है वही, ठीक है। मल्टीमीडिया में एनिमेशन, चलचित्र, छाया चित्र, रेखा चित्र तथा वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाला डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। पूछा जाए कि कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा कहाँ प्रदर्शित होता है, तो मॉनिटर स्क्रीन पर। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना बेमानी है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LED लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर का ही प्रयोग हो रहा है। माउस ये एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो माउस का अन्य नाम अगर पूछा जाए तो होता है पॉइंटिंग डिवाइस। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते उपयोग ने माउस को एक लोकप्रिय डिवाइस बना दिया है। क्या बना दिया है? एक लोकप्रिय डिवाइस। अगला है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है, देखो कीबोर्ड देख लेते हैं। कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों तथा अंकों को डालने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग होना आवश्यक है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। माउस खराब हो जाने पर कीबोर्ड को माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले क्वालिटी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड में कुछ बटन भी हो सकते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। तो पूछा जाए कि कीबोर्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड में कौन से पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो वह बोर्ड है PS2। कौन सा बोर्ड? PS2। स्पीकर, स्पीकर है। पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए वह बाह्य स्पीकर मतलब एक्सटर्नल स्पीकर का होना आवश्यक है। ये सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। स्पीकर की क्षमता PMPO में मापी जाती है। पूछा जाए स्पीकर की क्षमता काय में मापी जाती है, तो PMPO में। प्रिंटर, ये पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐच्छिक अंग है। ऐच्छिक मतलब ये हम अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रिंटर हमेशा कंप्यूटर के साथ लगा ही हो तभी कंप्यूटर काम करे। ये हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज पर प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। पूछा जाए प्रिंटर को कैसे जोड़ते हैं, तो सिस्टम यूनिट के पीछे जो लगा होता है उसमें मदरबोर्ड में पैरेलल पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। स्कैनर क्या है? ये भी एक इच्छुक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ग्राफ या चित्र को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का, ये संक्षिप्त रूप है। PC को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर लाइन पर भेजता है। मॉडेम को फोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या मॉडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। अगला है UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। हाँ, बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद ऑफ हो जाता है, जिससे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो जाने का खतरा रहता है तथा सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए UPS का प्रयोग किया जाता है। UPS में एक रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। इसे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। जब बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो UPS बीप की ध्वनि द्वारा संकेत देकर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने के लिए चेतावनी देता है। हाँ, ऐसा करता है UPS। GPT ट्रांसफार्मर, CVT एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज को उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर एक समान बिजली मिलती रहे। मतलब CVT कॉन्स्टेंट, जैसे नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट होंगे तो और अच्छे समझ पा रहे होंगे कि
जब हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलेंगे तो सप्लाई में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को वो बार बार घटेगी बढ़ेगी नहीं। अगर घटेगी बढ़ेगी तो कंप्यूटर को ये इंटरनली क्या क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए सीबीटी का होना जरूरी है। इसकी जगह पे हम यूपीएस भी यूज करते हैं। सिस्टम यूनिट का अगला भाग, सिस्टम यूनिट का अगला भाग क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अगले हिस्से में होता है, ठीक है। सिस्टम यूनिट का अगला भाग पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अगले हिस्से में होता है क्या, सीडी ड्राइव। सीडी ड्राइव क्या है, इसका प्रयोग सीडी ड्राइव में स्टोर की गई सूचना को पढ़ने लिखने के लिए किया जाता है। इसके साथ सीवी डीवीडी ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए इंजेक्ट बटन, हाँ, जो अगर आपने सीडी देखी हो, पहले जो सीडियाँ चलती थी उनको सीडी को मतलब, और अब भी सीपीयू में क्या होता है कि सीडी, अगर हमें किसी सीडी को, कई बार विंडो भी हम सीडी के माध्यम से चढ़ाते हैं, तो उस ट्रे को बाहर निकालने के लिए जो बटन लगा होता है उस बटन को इंजेक्ट बटन कहते हैं। आवाज नियंत्रण लॉक, वॉल्यूम कंट्रोल नोब, हेडफोन के लिए जैक तथा सीडी डीवीडी के प्रयोग को दर्शाने वाली एलईडी लगी होती है। रीसेट बटन, कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद करने, कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद करने बंद किए बिना, सॉरी, कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना फिर से चालू करने के लिए क्या कहते हैं, रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की सूचना को पढ़ने या उस पर नई सूचना डालने के लिए प्रयुक्त, इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए एक पुश बटन तथा फ्लॉपी के उपयोग को दर्शाने के लिए एक एलईडी बटन रहता है। पावर बटन क्या है, इस बटन द्वारा कंप्यूटर की पावर सप्लाई यूनिट को बिजली की सप्लाई चालू या बंद किया जाता है। इसके साथ एक एलईडी बटन रहता है जो पावर ऑन होने की स्थिति में रहता है। पावर कुछ नहीं है, जर्नल ली चीजें हैं जो हमें एक बार पढ़ लेनी चाहिए, बस इतनी ज्यादा टफ है नहीं। यूएसबी पोर्ट क्या होता है, जिसमें चिप लगती है। यूएसबी के बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग में एक या दो यूएसबी पोर्ट दिए जाते हैं। यूएसबी पोर्ट में हम क्या करते हैं, अब तो माउस और जो कीबोर्ड है वो भी यूएसबी पोर्ट की सहायता से चला सकते हैं। इसका प्रयोग पेन ड्राइव अथवा अन्य उपकरण जोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सीडी का ये प्रदर्शित चित्र दिखाया है, फ्लॉपी डिस्क कहाँ लगती है ये भी दिखाया है इन्होंने, देखो फ्लॉपी डिस्क। पावर बटन यहाँ होता है, पावर एलईडी होती है, रीसेट बटन भी यहीं होता है। सिस्टम यूनिट का अगला भाग जो इन्होंने यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया है, फिर है पावर सर्किट। सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से सप्लाई देने के लिए प्रयुक्त होता है क्या, पावर सॉकेट। सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट क्या है, डाटा को क्रमानुसार इनपुट देने वाले उपकरणों को जोड़ने के लिए, जैसे माउस मॉडेम आदि। सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण करते हैं तथा RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करते हैं। तो प्रश्न में पूछा जाए कि सीरियल पोर्ट कितने डाटा का अनुपालन करते हैं, तो ये क्या है, RS-232। पैरेलल पोर्ट, डाटा को समानांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है पैरेलल पोर्ट में। पूछा जाए कि प्रिंटर को किससे जोड़ा जाता है, तो पैरेलल पोर्ट के द्वारा। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। अगला है मॉनिटर पोर्ट। मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए मॉनिटर पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। इसे वीजीए, वीडियो ग्राफिकल एरे भी कहते हैं। पीएस पोर्ट क्या है, पीएस पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ये गोल आकार का 6 पिन का पोर्ट है। माउस के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैगनी रंग के पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। SCSI पोर्ट क्या है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। वाह, हार्ड डिस्क, ड्राइव और डीवीडी स्कैनर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क पोर्ट, किसी भी कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए इसे RJ45 कनेक्टर या लैन या ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा रखने के लिए पंखा लगाया जाता है, ये फैन दिया गया है यहाँ पे। सिस्टम यूनिट का पिछला भाग इन्होंने दिखा दिया, अब तथ्य सार पढ़ लेते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद हमें एक तथ्य सार, मतलब वन लाइनर या शॉर्ट नोट इसको कह सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। IBPS क्लर्क 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। पर्सनल कंप्यूटर के सबसे अधिक सामान्य स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो हार्ड डिस्क। अधिकांश डाटा हम हार्ड डिस्क में ही स्टोर करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता कौन प्रदान करता है, तो स्लॉट प्रदान करते हैं, बैंक में पूछा गया था। मदरबोर्ड का दूसरा नाम सिस्टम बोर्ड है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है, तो डिस्क ड्राइव में। हार्ड डिस्क
किस स्थान पर डाली जाती है? तो डिस्क ड्राइव में। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश भी कह लीजिए या फिर जानकारी का अभाव है कि जो मतलब बीडीयू, ऐसे अगर कोई कंप्यूटर का मॉनिटर रखा है तो उसके पास ये जो रखा होता है इसको ही हम सीपीयू समझ लेते हैं, जबकि ये सिस्टम यूनिट होता है। ठीक है, अगला है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड्स के पोर्ट से कौन जोड़ता है? तो मीडी। मीडी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, बहुत बार पूछा गया है। पर्सनल कंप्यूटर का साथ जोड़कर चलाया जा सकता है, किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से पर्सनल कंप्यूटर को कई साथ जोड़कर चलाया जा सकता है। कंप्यूटर के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का अर्थ क्या है? ये जॉय को हैंडल करने के लिए प्रयोग में की जाती है, जॉयस्टिक होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है, मॉडम पोर्ट। जो सामान्य फोन में जैक होता है उसकी तरह दिखाई देता है, कौन सा पोर्ट होता है? मॉडम पोर्ट। एक्सपेंशन कार्ड को डाला जाता है कहाँ? स्लाइड्स में। अब देखो, मॉडम को जोड़ा जाता है, मॉडम को किसके थ्रू जोड़ा जाता है? तो मदरबोर्ड के थ्रू। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें सीपीयू कीबोर्ड मॉनिटर आदि जोड़ने के लिए सॉकेट बना रहता है। ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं, बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनको कहते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है, 29 प्रश्न है इस चैप्टर में और जल्दी हो जाएंगे। मदरबोर्ड के कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करते हैं, किसके माध्यम से? तो वसेज के माध्यम से सूचना ट्रेवल होती है, ये हम सभी जानते हैं। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो क्या कहलाता है, सभी के लिए जानते हैं। देखो, उत्तराखंड पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। अगला है, मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना होता है, ये सब दिखाया है इन्होंने। यूपीएस का क्या कार्य है? यूपीएस का कार्य क्या है? कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करना। क्या काम है यूपीएस का? कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करना। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है आईबीएम कंपनी को, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका पूरा नाम है। फिर कितने प्रश्न हो गए? चार प्रश्न हो गए। पांचवा प्रश्न है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये यहाँ पर दिखेगा नहीं कि कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए हम रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की सप्लाई को पुनः मतलब बिना बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन से पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? मैंने बताया, पेन ड्राइव को किस में लगाते हैं हम? यूएसबी पोर्ट में। अगला है, 7 नंबर प्रश्न है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को अगर सिस्टम यूनिट से हमें जोड़ना है तो उसके लिए पैरेलल पोर्ट किसका प्रयोग करेंगे? पैरेलल पोर्ट। ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि पास है प्रिंटर, पास है पैरेलल पोर्ट, बाकी सभी अलग अक्षर से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? देखो, माउस को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जा सकता है, पेन ड्राइव को जोड़ा जा सकता है, प्रिंटर को डिवाइस जोड़ा जा सकता है, लेकिन हार्ड ड्राइव को नहीं। किसको? हार्ड ड्राइव को नहीं जोड़ा जा सकता। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म आप ही बताएंगे, हमने बताया है 2 बार। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर की जो प्रोसेस की गति होती है किसमें मापा जाता है? तो वह एसएमपीएस एमआईपीएस में मापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो साउंड की बात आ जाए तो मैडी, मैडी का फुल फॉर्म आपको बताना है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है, विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? तो विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं स्लॉट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। 13 नंबर प्रश्न है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं किसमें रखे होते हैं? कैबिनेट यूनिट कहते हैं इसको, या फिर सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, कैबिनेट यूनिट या सिस्टम यूनिट कहते हैं। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनट्रैपटेबल पावर सप्लाई। ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिलते हैं, आरआरबी एएलपी एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला है, आईसी चिप्स यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ, जो चिप होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? तो ये पहले चैप्टर का प्रश्न है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, और सिलिकॉन वैली भारत में किसको कहा जाता है, ये कौन से शहर को कहा जाता है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू या माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? तो जो मॉड्यूलेटर है वह क्या करता है? सिग्नल को कन्वर्ट करता है, यानी सिग्नल कन्वर्जन का काम करता है। गायरोस्कोप के सिद्धांत
का प्रयोग में नहीं किया जा सकता। तो इंजेक्ट प्रिंटर में गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया सकता, बाकी सब में किया जाता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक मुख्य मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है। 20 नंबर प्रश्न है। हाँ, तो इस क्लास में 20 ही प्रश्न थे, मैं बता रहा था 30 प्रश्न है, ठीक है। इस क्लास में 20 प्रश्न थे, आगे की क्लास ऐसी ही आती रहेंगी, और तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, 19 ही प्रश्न थे इस चैप्टर में। अगला चैप्टर है इनपुट और आउटपुट यूनिट, इनपुट और आउटपुट यूनिट, चैप्टर नंबर 5। तो अगली क्लास में हम करेंगे चैप्टर 5। आज के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।